Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. It is my email ID, the lecture will be in bilingual mode, and I am discussing a new topic under the heading of Inclusive Education. Yesterday, I have discussed with you special education, concept of special education, integrated education and inclusive education, and today I am going to discuss in detail the concept of inclusive education. Okay, and the lecture will be very useful for various purposes such as your competitive teaching examinations as well as for your general and professional educational courses. Okay, so first of all, inclusive education. हम लोगों ने कल बात कर ली है कि inclusive education का मतलब समावेशी शिक्षा या समेकित शिक्षा है और जो विशिष्ट शिक्षा के पायदान में सबसे उच्चतम स्तर पर विराजमान है, है ना? Inclusive education में हम सबको include करके चलते हैं with all types of disabilities and differently abled students, all sorts of differently abled students को हम mainstream education में ले आते हैं. है ना, यही है, इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन इज एन अप्रोच टू स्कूलिंग इन विच स्टूडेंट्स विद मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटीज एंड लर्निंग नीड्स आर एजुकेटेड इन क्लासेस विद नॉन डिसेबल्ड एंड टिपिकली डेवलपिंग स्टूडेंट्स. मतलब समावेशी शिक्षा वो प्रत्यय है, वो उपागम है स्कूलिंग का जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटीज, बहुत तरीके की डिसेबिलिटी हो सकती है, लर्निंग नीड हो सकती है बच्चे की, लेकिन वो नॉन डिसेबल्ड और डेवलपिंग स्टूडेंट के साथ एक ही कक्षा कक्ष में पढ़ाया जाएगा. In an inclusive arrangement, students who need additional supports and services spend most of their time with their non-disabled peers rather than in separate classrooms or schools. Inclusive arrangement ये होता है कि जो बच्चा जिसको कोई additional support चाहिए, कोई ऐसी सेवा चाहिए, वो अपना ज्यादातर समय अपने नॉन डिसेबल्ड पीयर के संग गुजारता है. मतलब उन बच्चों के संग गुजारता है जिनको किसी भी प्रकार की कोई अयोग्यता नहीं है, कोई डिसेबिलिटी नहीं है, बजाय इसके कि हम उसको किसी सेपरेट क्लासरूम या स्कूल में पढ़ाएं. द टर्म The term inclusive education is most often used to mean the inclusion of persons with physical and mental impairments such as sensory or mobility limitations, intellectual disabilities, language disorders, behavioral disorders and autism spectrum disorders. देखिए कि इंक्लूजन हमको सबका करना है, चाहे उसको कोई फिजिकल या मेंटल दिक्कत हो, इम्पेयरमेंट हो, या कोई सेंसरी या मोबिलिटी लिमिटेशन हो, वो मतलब सुनने में कोई दिक्कत है, चलने में कोई दिक्कत है, कुछ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उसका आईक्यू लेवल कम है, कुछ लैंग्वेज का डिसऑर्डर है, कोई बिहेवियर के संग एडीएचडी सिंड्रोम है, कोई तरीके का बिहेवियरल डिसऑर्डर है उसके पास, और कोई ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, सबको हमको इंक्लूड करना है सिमिलर क्लासरूम में. सम एजुकेटर्स एंड थियोरिस्ट्स आल्सो यूज इंक्लूजन इन ए ब्रॉडर सेंस. कुछ लोग और हैं जो इंक्लूजन को और ब्रॉडर सेंस में यूज करते हैं. जैसे वो कह रहे हैं कि एजुकेशनल सिस्टम इस तरीके का सिस्टम हो शिक्षा का डिजाइंड टू इंश्योर एक्सेस फॉर ऑल ग्रुप्स that if been marginalized in society and in schools. कह रहे हैं कि स्कूलों में, समाज में वो कोई भी ग्रुप, वो कोई भी समूह जो marginalized कर दिया गया, मतलब सीमा पर छोड़ दिया गया, मतलब आप उसको लेकर नहीं आ रहे मेन स्ट्रीम में, बीच में, सेंटर में, मिडिल में, उन सब का इंक्लूजन इंक्लूसिव एजुकेशन है. Thus, inclusion is sometimes envisioned as the deliberate and self-conscious structuring of whole school and classroom environments so that they are accessible and congenial not only to students with impairments but also to those who can face exclusion or disempowerment due to their ethnicity, social class, gender, culture, religion, immigration history or other attributes. समझ में आ रही बात? वो कह रहे हैं कि inclusion में आप सबको include कर लीजिए. जरूरी नहीं है कि उनके संग कोई disability हो, उनके संग कोई दिक्कत हो, बल्कि वो सभी समूह और लोग, वो सदस्य जिनको mainstream society से अलग रखा गया है, marginalized हैं, जो वंचित हैं, तो inclusion क्या हो जाएगा कि हमारा deliberate attempt है. मतलब हमने जानबूझकर ऐसा school बनाया, ऐसा classroom environment बनाया जो हम सबके लिए एक्सेसिबल कर दे, मतलब सब तक उसकी पहुंच हो, चाहे वो
उनके सामाजिक वर्ग के हिसाब से, उनका जेंडर मेल फीमेल है, कल्चर उनका अच्छे कल्चर के रूप में माना जाता है, नहीं अच्छे कल्चर के रूप में माना जाता है, कोई भी धर्म के हैं वो, कोई भी उनकी इमिग्रेशन हिस्ट्री है, कहीं से आए हैं, प्रवासी हैं, कोई भी गुण के मामले में वो डिफरेंटली एबल्ड हैं, सबका इंक्लूजन इंक्लूसिव एजुकेशन है. बिकॉज इंक्लूजन ऑल्सो हैज दिस ब्रॉडर मीनिंग, इट समटाइम्स एंडोर्स्ड एज ए मीन्स ऑफ अचीविंग अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म ऑफ सोशल जस्टिस. कह रहे हैं कि चूंकि इंक्लूजन का इतना बड़ा विस्तृत अर्थ है, इसलिए कभी-कभी हम ये भी मान सकते हैं कि जो इंक्लूजन है, जो समावेश कर रहे हैं हम हर प्रकार की डिसेबिलिटी का, डिफरेंट एबिलिटी का, वो एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि सामाजिक न्याय पाने का एक तरीका है ना. हम सामाजिक रूप से न्याय ही तो कर रहे हैं, हम सबके लिए एक्सेसिबल बना रहे हैं शिक्षा को. ठीक है, अब इसका हिस्टोरिकल एंड लीगल ट्रेंड देखें, कब से बात शुरू हुई, कहाँ कहाँ विश्व भर में, भारतवर्ष में कौन से ऐसे काम हुए, ऐसी ऐसी करार हुए जिनसे ये निकल कर आया इंक्लूजन या इंक्लूसिव एजुकेशन. तो इंक्लूसिव एजुकेशन इज एन आउटग्रोथ ऑफ सेवरल सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स दैट हैव इमर्ज सिंस द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी. ये कह रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के मध्य से बहुत सारे ऐसे सामाजिक राजनीतिक आंदोलन हुए से इंक्लूसिव एजुकेशन एक आउटग्रोथ के रूप में निकल के आई. वो कह रहे हैं कि द फर्स्ट सच फेडरल लॉ वाज द एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन इन 1975. देखिए 1975 में बात की गई, एक फेडरल लॉ आया ईएचए के नाम से, मतलब एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट आया. फिर क्या हुआ, 1990 में दी ईएचए वाज रिप्लेस्ड बाय अनदर फेडरल लॉ, एक और दूसरे लॉ ने इसको रिप्लेस कर दिया. जैसे जैसे समय बढ़ता है, लॉ में सुधार होता है, संशोधन होता है, देखा जाता है कि ये कमी है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, तो दूसरा लॉ आ गया द इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, आईडिया के नाम से. आई इंडिविजुअल्स, डी फॉर डिसेबिलिटीज, एंड ई डिसेबिलिटीज के लिए डी ई ले लिया है, एंड ए फॉर एक्ट. फिर आया द सालामांका स्टेटमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस 1994, एंड द यूनेस्को का डकार का वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल. देखिए ये एजुकेशन फॉर ऑल जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक मूवमेंट चला एजुकेशन फॉर ऑल ईएफए के नाम से, ये पिछले भी मैं थोड़ा सा डिस्कस किया था मैंने, यहाँ पे डिटेल में आपको इंक्लूसिव एजुकेशन जाना है. तो 2000 में आया ये वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल. देखिए बहुत रिसेंट बातें हैं, अभी 2023 चल रहा है, कोई पुरानी बात नहीं है. नोट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव स्कूलिंग, यहाँ से इंक्लूसिव स्कूलिंग की इंपॉर्टेंस की बात शुरू हुई है. एजुकेशन फॉर ऑल मूवमेंट इज ए ग्लोबल कमिटमेंट टू प्रोवाइड इक्वल क्वालिटी बेसिक एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन यूथ एंड एडल्ट्स. वो कह रहे हैं कि ये जो मूवमेंट आया वो एक ग्लोबल कमिटमेंट के रूप में आया, मतलब पूरे विश्व में ये एक फील किया गया, कमिटमेंट लिया गया कि हमको सबको इक्वल क्वालिटी बेसिक एजुकेशन देनी है. दिस कमिटमेंट अरोज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फॉर ऑल ऑफ यूनेस्को इन 1990. वो कह रहे हैं कि 1990 में जो यूनेस्को में कॉन्फ्रेंस हुई है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फॉर ऑल, उसी से ये कमिटमेंट निकल के आया है, एंड वॉज लेटर रिवाइज एंड डिस्कस्ड इन द स्टैंडर्ड रूल्स ऑन द इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन 1993. वो कह रहे हैं कि जो 1990 में हुआ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस वहां से निकल के आया, फिर 1993 में ये और रिवाइज हुआ, डिस्कस्ड हुआ, और जब ये 1994 में जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस आई थी, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल नीड्स एजुकेशन एक्सेस एंड क्वालिटी, फिर आया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डाकार इन 2000, फिर आया इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2006. तो इस तरीके से ये बार बार इस तरीके के कॉन्फ्रेंसेस होती रहीं, थीम्स आती रहीं, आइडियाज निकलते रहे, और वॉट लेटर ऑन हैज बीन नोन एज द सालामांका स्टेटमेंट, वो ऊपर बताया गया, उसी का सालामांका स्टेटमेंट नाम दे दिया गया, इज द रिजल्ट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1994 वेयर द टर्म इंक्लूजन अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन. ये कह रहे हैं कि जब सालामांका स्टेटमेंट आया वहीं पे सबसे पहली बार इंक्लूजन का शब्द निकल के आ रहा है, रिजल्ट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1994. 1994 में जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें सबसे पहले इंक्लूजन का शब्द आया, स्पेशल एजुकेशन की हिस्ट्री में, लिटरेचर में उसके पहले इंक्लूजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था. तो 1994 इज नॉट सच पास्ट, है ना, सिर्फ 6 साल उधर और 22 साल इधर, सिर्फ 28 साल पुरानी बात है, तो लिटरेचर के हिसाब से बहुत रीसेंट है. फिर
अगर हम आरटीई एक्ट 2009 की बात करें कि भाई हम अपने अगर वैश्विक परिदृश्य देखा हमने वो, अगर भारतीय परिदृश्य में बात करें कि समावेशी शिक्षा का क्या हिसाब किताब रहा, तो जो बहुत हमारा वेरी ओन वेरी पॉपुलर जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है जो 2009 में आया, वो इंक्लूजन को इम्ब्रेस करता है। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जिसको आरटीई एक्ट के नाम से जानते हैं, 2009 अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन, हैज मेनी प्रोविजंस टू इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन including children belonging to disadvantaged groups such as the scheduled caste, the scheduled tribe, the socially and educationally backward classes, economically weaker sections or with the differently abled। कह रहे हैं कि जो 2009 में आया ये एक लैंडमार्क साबित हुआ शिक्षा के क्षेत्र में, और ये कह रहा है कि हमको सबको इंक्लूड करना है। तो क्या हो गया, आरटीई के बाद एवरी स्कूल इज नाउ एन इंक्लूसिव स्कूल, क्योंकि चूंकि ये एक्ट है आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, और ये कह रहा है कि सबको इंक्लूड करना है, तो अब हर विद्यालय ही समावेशी विद्यालय हो गया है। क्यों? क्योंकि आप किसी चाइल्ड को डिनाई नहीं कर सकते हैं अब आरटीई एक्ट 2009 आने के बाद। फिर इंडिया चूंकि सिग्नेटरी रहा है बहुत सारे डिक्लेरेशंस का, इंडिया हैज ऑल्सो बीन सिग्नेटरी टू इंटरनेशनल डिक्लेरेशंस, वही बात अब इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हो रही है, लाइक द सलामांका स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ऑन स्पेशल नीड्स एजुकेशन, एंड बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, एंड द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज दैट एम्फेसाइज द नीड फॉर फंडामेंटल एजुकेशन पॉलिसी शिफ्ट्स टू इनेबल जनरल स्कूल्स टू इंक्लूड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। ये कह रहे हैं कि इतने सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में हमने साइन किया है, तो हमको अपने यहाँ भी तो इसको लाना था ना, तो आरटीई एक्ट 2009 ने इसको इम्ब्रेस किया, इसको अपनाया है, इन्विजन किया है ऐसा स्कूल जो इंक्लूसिव स्कूल होगा। तो फिर दी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन रिवाइज 1992, द आरटीई एक्ट 2009 प्रोवाइड्स फॉर चिल्ड्रंस राइट to an education of equitable quality based on principles of equity and non-discrimination। ये कह रहे हैं कि जो RTE Act 2009 में आया, इसके बाद children का ये अधिकार हो गया, बच्चों का ये अधिकार है कि उनको equitable, समता मूलक, गुणवत्ता पूर्ण और समता और नॉन डिस्क्रिमिनेशन के मुद्दे पर आधारित उनको स्कूलिंग मिलनी चाहिए। जैसे कि समग्र शिक्षा अभियान 2018 जो कि सर्व शिक्षा अभियान का ही प्रोग्रेसिव रूप है, अब समग्र शिक्षा में उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन को भी ले लिया है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात होने लगी है, इज इन वाइसेज टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंश्योरिंग इक्विटी एंड इंक्लूजन एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सीनियर सेकेंडरी लेवल। यदि आ गया ना सीनियर सेकेंडरी, तभी ये सर्व शिक्षा से समग्र शिक्षा हो गया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि चूंकि हम इंटरनेशनल डिक्लेरेशन पे हमने साइन किया है, ये एक ग्लोबल कमिटमेंट चल रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है, हर किसी को इंक्लूड करना है, तो जितनी भी पॉलिसी बनेगी, जितने भी डिक्लेरेशन आएंगे, उसमें ये होगा, ये इंक्लूड होगा, बाय डिफॉल्ट इंक्लूड होगा कि हमको इंक्लूसिव एजुकेशन को अपनाना है। ठीक है, ये इसका एक हिस्टोरिकल एंड लीगल ट्रेंड हुआ कि कैसे ये रूप लिया इसने। फिर प्रिंसिपल्स अगर हम बात करें तो यूनेस्को में ही 1994 में ये डिस्कस हुआ कि 5 मूलभूत सिद्धांत हैं जिस पर कि इंक्लूसिव एजुकेशन की नींव रखी गई है। कौन कौन से हैं? एवरी चाइल्ड हैज अ फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, हर बच्चे का ये कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि उसको शिक्षा दी जाए, एंड मस्ट बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू अचीव एंड मेंटेन एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ लर्निंग, मतलब कम से कम वो एक एक्सेप्टेबल लेवल अपना सके, प्राप्त कर सके शिक्षा के द्वारा। फिर एवरी चाइल्ड हैज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरेस्ट एबिलिटी एंड लर्निंग नीड्स, हर बच्चा अलग है, उसकी विशेषता अलग है, उसकी रुचि अलग है, उसकी योग्यता अलग है, उसके अधिगम की आवश्यकताएं अलग हैं, इसलिए हमको उसको अलग, मतलब कि उसकी इंडिविजुअलिटी को ट्रीट करना है विद डिग्निटी है। फिर एजुकेशन सिस्टम शुड बी डिजाइंड एंड एजुकेशनल प्रोग्राम इंप्लीमेंटेड टू टेक इनटू अकाउंट द वाइड डाइवर्सिटी ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स। तो हमको क्या करना है कि हम अपना शैक्षिक निकाय इस तरह से बनाना है कि हम हर बच्चे की डाइवर्सिटी को केटर कर सकें, उसको उसको यू कैन से उसको स्पेस प्रोवाइड कर सके। फिर दोज विद स्पेशल एजुकेशनल नीड्स मस्ट हैव एक्सेस टू रेगुलर स्कूल्स, शुड एकोमोडेट देम विद अ चाइल्ड सेंटर्ड पेडागॉजी केपेबल ऑफ मीटिंग दोज नीड्स। यानी कि आप चूंकि बात हो गई कि आप स्पेशल एजुकेशन में नहीं पढ़ेंगे, आप इंटीग्रेटेड भी नहीं होगा, आप इंक्लूजन होगा, यानी कि स्कूल सिस्टम अपने आप को चेंज करेगा, मेथोडोलॉजी अपने आप को चेंज करेगी, टीचिंग स्टाइल अपने आप को चेंज करेगी ताकि आपकी नीड को केटर किया जा सके। और रेगुलर स्कूल्स विद दिस इंक्लूसिव ओरिएंटेशन आर द मोस्ट इफेक्टिव मींस ऑफ कॉम्बैटिंग डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड्स, क्रिएटिंग वेलकमिंग कम्युनिटीज, बिल्डिंग एन इंक्लूसिव सोसाइटी एंड अचीविंग एजुकेशन फॉर ऑल। सारा कुछ शुरू ही कहाँ से हुआ? एजुकेशन फॉर ऑल के कंसेप्ट से, EFA के कंसेप्ट से, कि सबको शिक्षा चाहिए। तो जब इंक्लूसिव एजुकेशन आ जाता है, इसका मतलब कि ये वो तरीका है जिससे आप डील कर सकते हैं जो डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड समाज में है, शिक्षकों में है, शिक्षा व्यवस्था में है, जो हम विभेद करते हैं, इसके बजाय हम क्या करें कि
वेलकमिंग कम्युनिटीज, हम आदर करें, हम सम्मान करें कम्युनिटीज का, इंक्लूसिव या समावेशी समाज की स्थापना करें, जिससे कि हम एजुकेशन फॉर ऑल के लक्ष्य को, सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसके अलावा हम वो तो यूनेस्को में जो डिस्कस की गए वो प्रिंसिपल्स से, इन जनरल वो प्रिंसिपल्स जिन पर इंक्लूसिव एजुकेशन बेस्ड है वो क्या है कि वो सारे प्रिंसिपल प्रमोट करते हैं किसको, इक्विटी को, समता को, पहुंच को, अवसर को एंड द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी इन एजुकेशन एंड केयर एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम। और हम क्या चाहते हैं कि जो विभेद उनके संग होता है उसको हम कम कर सके। इंक्लूसिव प्रोटेक्ट प्रैक्टिस एम्स टू मिनिमाइज और रिमूव दीज बैरियर्स एंड सपोर्ट द सक्सेस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स व्हाइलस्ट इंश्योरिंग दैट एकेडमिक स्टैंडर्ड्स आर नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिन पर इंक्लूसिव एजुकेशन बेस्ड है? एक्सेस यानी सब तक पहुंच हो, शिक्षा की पहुंच सब तक हो, सब लोगों की पहुंच शिक्षा तक हो। इक्विटी, समता की बात करें, जिसको जो कमी है उस हिसाब से ट्रीटमेंट हो। रेलेवेंस, वो सार्थक हो। पार्टिसिपेशन, सभी का पार्टिसिपेशन हो। और एक्सेसिबिलिटी, अच्छा एक्सेसिबिलिटी रिपीट हो गया सॉरी, एंड एम्पावरमेंट, और ये जो मुहिम है वो क्या करेगी, एम्पावर्ड करेगी जो लेस एम्पावर्ड है उसको, ठीक है। फिर मैनेजमेंट इन इंक्लूसिव क्लासरूम, बहुत मुश्किल है इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना, इतना आसान नहीं कि हमने सोचा कि हम सबको इंक्लूड करेंगे, हमने सबको इंक्लूड कर लिया। कैसे चेंज करेंगे, क्या क्या आपके सामने चैलेंजेस आएंगे? तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, हाउ टू क्रिएट एंड मेंटेन द ऑर्डर स्ट्रक्चर एंड सेफ्टी। कैसे आप क्रम बनाएं, कौन कहाँ बैठेगा, किसका क्या हिसाब किताब है, क्योंकि जो नॉर्मल बच्चा है वो भी तो बच्चा है ना, उसकी भी तो नीड्स आपको केयर करनी है, वो कहेगा हम नहीं रोज पीछे बैठेंगे, कोई भी इस तरह की छोटी से छोटी बातें हो सकती हैं, छोटे छोटे इश्यूज हो सकते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे क्लास का, सेफ्टी कैसे इंश्योर करेंगे उनकी जिनके संग कोई दिक्कत है, हाउ टू मीट द लर्निंग सोशल एंड डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, क्योंकि यह बात किसकी हो रही, एजुकेशन फॉर ऑल की। तो आप किस तरह से सभी बच्चों की विकासात्मक जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उनकी जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं, जो अधिगम की आवश्यकताएं हैं, उनसे मिलेंगे, कैसे उनको दूर करेंगे, कैसे उनको पाएंगे, और हाउ टू कन्फ्रंट द एवर प्रेजेंट रिस्क ऑफ स्टिग्मेटाइजिंग दोज हु आर परसीव्ड एज डिफरेंट। और कैसे आप सब बच्चों के मन में ये भाव जगाएंगे कि आप उनको स्टिग्मेटाइज ना करें, उनको कुछ अपशब्द ना बोलें, उनको कमतर ना समझें, है ना। तो क्या कर सकते हैं हम, थ्री स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव इंक्लूजन, तीन व्यूह रचनाएं आप तकनीकी प्रविधियां इस्तेमाल कर सकते हैं प्रभावपूर्ण समावेशन के लिए। कौन कौन सी है, अ फ्लेक्सिबल अप्रोच टू गिविंग स्टूडेंट्स द सपोर्ट दे नीड। हमको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, रिजिड रहने से काम नहीं चलेगा। एन इंटीग्रेशन ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन एंड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, सबको सबकी हिसाब से इंस्ट्रक्शन दीजिए। और द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द रियलिटी ऑफ ह्यूमन डिफरेंसेस, देखिए हमारे अंदर कोई डिसेबिलिटी ना भी हो तो भी हम दूसरे से तो अलग ही है ना, हम आपके जैसे नहीं है ना, आप हमारे जैसे है ना, सामने वाला आपके जैसे है ना, हम वो आप सामने वाले से उसके बगल वाला उसके जैसा है, तो सब तो डिफरेंस तो है ही, डिफरेंस तो विद्यमान है ही, तो वो थोड़ा दूसरे मायने में डिफरेंट है। हमको सिर्फ ये समझना और ये समझना है कि ये नॉर्मल है, तभी आप कुछ इस तरीका का सेंसिटाइजेशन या अवेयरनेस सॉर्ट ऑफ जनरेट कर पाएंगे। फिर बैरियर्स आते हैं, आप इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना क्या बाधाएं आती हैं। There are three sets of barriers that currently limit the opportunity for people with disabilities to participate in society on equal terms with non-disabled people. वो कौन से बाधक तत्व हैं, वो कौन सी बाधाएं आती हैं जिससे जो disabled है वो at par नहीं participate कर पाता है society में। पहला है systemic barrier जो system से create होता है, दूसरा है societal barrier जो समाज देता है हमको, और तीसरा है pedagogical barrier जो शिक्षा व्यवस्था देती है। Systemic barrier क्या है, policies, practices or procedures that result in some people receiving unequal access or being excluded. हम इस तरह से बनाते ही हैं कि वो जो disabled है वो unequal access है उसके। हम बात करते हैं कि सब तक पहुंचो, लेकिन सब तक पहुंच तक आए। Systemic barriers to learning are barriers created by the education system itself. हमने खुद ही बना रखा है। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि typing speed इतनी है, तो जो disabled है उसके लिए हमने कहाँ कहा कि जो disabled है जिसको किसी तरह की उसकी typing speed इतनी होगी तो भी चलेगा, तो हमने सिस्टम ने ही बैरियर लगा दिया, तो वो कैसे पार्टिसिपेट करेगा इक्वली, है ना। फिर सोसाइटल बैरियर जैसे फियर, उनके मन में भय है, ऑकवर्ड फील करते हैं नॉर्मल लोगों के संग, उनको परेशानी है, उनकी रुचि नहीं है, वो अज्ञान वश ऐसा हो जाता है, तो ये सोसाइटल बैरियर है। और पेडागॉजिकल बैरियर यानी कि जो विशुद्ध एजुकेशन सिस्टम ने अपनी पेडागॉजी के द्वारा क्रिएट किया है, जैसे एज अ टीचर और इंस्ट्रक्टर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एडल्ट्स लर्न, विच इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स नीड्स, मोटिवेशन फॉर लर्निंग, साइकिल ऑफ लर्निंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स इन द सीक्वेंस इन विच लर्निंग नीड्स टू अकर टू बी इफेक्टिव एज अ लर्नर। When a teacher or instructor does not have this knowledge or fails to demonstrate it, it is considered a pedagogical barrier. देखिए
पहले हम लोग पेडागॉजी की बात कर रहे थे, अगर आपको थोड़ा सा भी इस विषय में जानकार होंगे तो एंड्रेगॉजी की बात होती है, उसके अलावा ह्यूटेगॉजी की बात होती है, पीरागॉजी की बात होती है, साइबरगॉजी की बात होती है। तो जो एंड्रेगॉजी है वो क्या है कि एडल्ट स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन वाला है, जो डिसेबिलिटी की वजह से सीख नहीं पाए हैं और एडल्ट हो गए हैं, अब उनको पढ़ाना है, उनको पढ़ाने का तरीका बच्चों के पढ़ाने के तरीके से भिन्न है। अगर एडल्ट को आप बच्चे की तरह से पढ़ाएंगे तो इसका मतलब कि आप गलत कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके के ये तीन बैरियर्स होंगे, सिस्टेमिक, सोसाइटल और पेडेगोजिकल। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम अगर हम बनाना चाहें तो किन किन चीजों की दरकार होगी। सिस्टम्स यानी कि कमिटमेंट एंड रिसोर्सेज अक्रॉस एजुकेशन मिनिस्ट्रीज एंड थ्रू आउट द स्कूल्स, मतलब हमें ऐसा निकाय बना लें कि मिनिस्ट्री से स्कूल, स्कूल से बाकी स्कूल सब जुड़े हों। सपोर्ट फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वर्किंग एंड लर्निंग इन इंक्लूसिव एनवायरमेंट, जो टीचर ऐसे में काम कर रहा है, जो बच्चे काम करें उनके लिए हमको सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। कल्चरल चेंज मतलब ये सांस्कृतिक परिवर्तन है जो आना चाहिए कि हम डाइवर्सिटी का सम्मान करें, हम पार्टिसिपेटरी लर्निंग का सम्मान करें। पार्टनरशिप, हमको अकेले स्कूल से नहीं होगा, उसको पेरेंट्स को, टीचर्स को, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज को पार्टनरशिप करनी होगी। और मॉनिटरिंग, हमको देखना होगा कि कितना वो सुधर रहे हैं, क्या उन्होंने बेहतर कर लिया, कितनी चीजें सीख ली, तो ये प्रोग्रेस का हमको एक ट्रैकिंग रिकॉर्ड बनाना होगा। और इम्पॉर्टेंस अगर हम पूछें आपसे, आप बताना चाहें कि क्यों इम्पॉर्टेंट है इंक्लूसिव एजुकेशन, तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंस की तो कोई कमी नहीं है। एजुकेशनल केस, ऑल चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली, सभी अच्छे से सीखेंगे, जो जो नॉर्मल है वो देखेगा कि डिसेबिलिटी वाला इतना बढ़िया कर रहा है, तो हमारे पास तो हमारे सारे अंग, सारे तंत्र, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, तो हमें तो और बढ़िया करना चाहिए। और जो जिस किस्म कोई डिसेबिलिटी है वो देखेगा कि वो बच्चा इतना कर रहा है तो हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक केस, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव है, नहीं तो स्पेशल एजुकेशन के लिए आप अलग स्कूल बनाइए, बिल्डिंग बनाइए, टीचर रिक्रूट कीजिए, सब कुछ तो बहुत बहुत कॉस्टली है स्पेशल एजुकेशन की व्यवस्था, और इंक्लूसिव एजुकेशन कॉस्ट इफेक्टिव है। द सोशल केस, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मोर इंक्लूसिव सोसाइटीज, वो कह रहे हैं कि इस तरह से आप समावेशी समाज पा सकते हैं, और अंततः समावेशी समाज में होगा क्या, सामाजिक न्याय मिलेगा सबको। इसके अलावा क्या है, इट प्रमोट्स लर्निंग फॉर ऑल चिल्ड्रेन, इट प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग, इट इंश्योर्स दैट चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटीज आर इक्विप्ड टू वर्क, है ना। इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन क्या प्रमोट करता है, पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ, पब्लिक लाइफ में सबका पार्टिसिपेशन हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एक्सरसाइज ऑफ लीगल कैपेसिटी, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो बहुत सारे फायदे हैं। कंक्लूडिंग रिफ्लेक्शन अगर हम देना चाहें कि क्या इंक्लूसिव एजुकेशन से हमको समझ में आया, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन हैज मैनी स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट्स बट हैज आल्सो ड्रॉन क्रिटिसिज्म, बहुत इसके सुधार मतलब पक्ष में बोलने वाले हैं, लेकिन इसके पास आलोचना भी है। कैसे, फर्स्ट, व्हाइल सम एडवोकेट्स इंसिस्ट दैट ऑल चिल्ड्रन कैन बी सक्सेसफुली एजुकेटेड इन दिस वे, अदर रेज क्वेश्चंस अबाउट द लिमिट्स ऑफ इंक्लूजन एंड इट्स एबिलिटी टू वर्क वेल फॉर एवरीवन, पर्टिकुलरली एट सम चिल्ड्रन गेट इनटू लेटर एलिमेंट्री स्कूल एंड बियॉन्ड। ये कह रहे हैं कि हम मान के तो चल रहे हैं कि हम सभी को शिक्षा देंगे, लेकिन इंक्लूजन की भी लिमिट है, सबके लिए उसी तरह से काम नहीं करता है ये। फिर अ सेकंड कंसर्न क्या है, विच इज अ पेरिनियल चैलेंज फॉर ऑल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस दैट स्ट्राइव फॉर इक्वालिटी एंड फेयरनेस, इज हाउ टू बैलेंस needs of those who require extra attention and resources against the needs of typically developing children. जो normal बच्चा है उसके साथ और जो जो जिसको extra attention चाहिए, तो कैसे आप balance बनाएंगे, कैसे आप classroom का syllabus complete करेंगे, कैसे examination होगा, कितना मुश्किल है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। A third concern has to do होना चाहिए, has to do with the need for resources. कहाँ इतना resource है, नॉर्मल चीजों के लिए रिसोर्स नहीं होता है स्कूल्स के पास, कॉलेजेस के पास, इंस्टीट्यूशंस के पास, और अगर इंक्लूसिव एजुकेशन चाहते हैं तब तो आपको और फाइनेंशियल मटेरियल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, बहुत तरीके के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में सिर्फ पॉजिटिविटी ही है, ये शॉर्टकमिंग्स है जिनको दूर करना बहुत मुश्किल है। बट ओवरऑल इंक्लूसिव एजुकेशन इज द मोस्ट प्रोग्रेसिव कंसेप्ट अंडर द हेडिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन। ओके, so I have completed in totality the concept of inclusive education, and I hope that this topic will be more clear to you all. Okay, and so thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education, and join my Telegram group too. Okay, done.